लेखांकन अनुपात के अगले क्रम में हम जिस अनुपात के बारे में जानेंगे वो है स्वामित्व अनुपात, यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो। वास्तव में ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है, ये स्वामी के कोष और उनके संपत्ति, जो उनकी कुल संपत्तियां हैं, यानी उनका जो फंड है और उनके जो कुल एसेट्स हैं, उनके बीच में एक संबंध को ये बताता है। यानी कि इस अनुपात से हमको ये ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में व्यापार में जो संपत्ति के कोष है उनकी लिमिट क्या है, वो कितने हैं। ओवरऑल इनके फॉर्मूले को अगर हम जान लें तो हम बहुत आसानी से जान जाते हैं कि किस मद का, किसी व्यापार के किस मद का किस दूसरी मद से संबंध यहाँ पर बताया जाएगा। तो आइए फॉर्मूले पर एक नज़र डालें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामित्व अनुपात बराबर स्वामित्व कोष या अंशधारी कोष बटे कुल संपत्ति, या फिर हम कह सकते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड, या फिर हम इसको कहते हैं शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। जब भी हम कोई क्रियात्मक प्रश्न हल करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में फॉर्मूला आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। और जब हम फॉर्मूला पे हम फोकस करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इस फॉर्मूले में हमको कौन कौन सी जानकारी चाहिए। इस फॉर्मूले से हमको पर्टिकुलर अगर कोई रेशियो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको कौन कौन सी जानकारी चाहिए। जैसे इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि प्रोप्राइटरी रेशियो की कैलकुलेशन करने के लिए एक तो हमको चाहिए शेयर होल्डर फंड और दूसरा हमको चाहिए टोटल एसेट्स। यहाँ जब हम प्रोप्राइटरी रेशियो या स्वामित्व कोष की बात करते हैं तो ये समता पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी के साथ साथ जो संचित लाभ या अवितरित लाभ या फिर लाभ हानि खाते का जो लाभ होता है उसको भी शामिल कर लेता है। दूसरी बात, कुल संपत्ति की जब हम बात करते हैं अपॉन टोटल एसेट्स हम देख रहे हैं, तो टोटल एसेट्स यानी कि कुल संपत्ति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कुल संपत्ति के अंतर्गत चल संपत्ति और अचल संपत्ति, करेंट एंड नॉन करेंट दोनों तरह के एसेट्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो बनावटी संपत्तियाँ होती हैं जिन्हें हम कृत्रिम संपत्ति कहते हैं, उनको भी हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो बनावटी संपत्तियाँ हैं उसके अंतर्गत हम गुडविल, पेटेंट, ऋण पत्र, अंशों के निर्गमन पर बट्टा, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो एक कृत्रिम संपत्ति मानकर इन सभी मदों को हम इसके कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें ब्याज व्याप्ति अनुपात या ब्याज सुरक्षा अनुपात, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वास्तव में ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या ब्याज सुरक्षा अनुपात होता है, ये किसी भी संस्था में जो ब्याज की जो स्थिति होती है, ब्याज की जो शोधन क्षमता होती है, उसको दर्शाता है। और इसके अंतर्गत जब कोई व्यावसायिक संस्था ऋण लेती है तो ऋणदाता को वो कितने समय में ऋण वापस कर पाएगी, कितनी कैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, कितना उसके पास फंड हो पाएगा, कितने समय में, किस अवधि में लिया गया ऋण कंपनी के द्वारा वापस किया जा सकता है या लिया गया ऋण कंपनी वापस करने की क्षमता रखती है, इन सब बातों के बारे में वो जानकारी हासिल करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्याज सुरक्षा अनुपात की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं। ब्याज सुरक्षा अनुपात बराबर ब्याज तथा कर के पूर्व का लाभ बटे स्थिर ब्याज प्रभार, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन फिक्स लॉस और डेब्ट्स। आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। निम्न जानकारी से ब्याज सुरक्षा अनुपात की गणना कीजिए। नेट प्रॉफिट 3,75,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन 1,50,000। यहाँ पर क्योंकि हमको ब्याज सुरक्षा अनुपात की कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले हमको एक तो देखना है कि नेट प्रॉफिट क्या है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 3,75,000 दिया हुआ है
और अगर हम मान लेते हैं कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स जो है इसमें 50% दिया हुआ है, तो 50% वो कट जाएगा यानी 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है 50% जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स 100 रुपीज से पहले का जो परसेंटेज है, अगर 100 रुपए पे ये 50 रुपए है बिफोर टैक्स, तो फिर 3,75,000 पे ये कितना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,75,000 पर कितना होगा। तो ये हो जाएगा 3,75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि कैलकुलेशन से पहले या टैक्स कैलकुलेट होने के पहले जो प्रॉफिट था वो था 7,50,000, 7,50,000। अब क्योंकि इंटरेस्ट हमको पेड करना है लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट है, तो 7,50,000 तो हमने निकाल लिया है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि कैलकुलेट करके दे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन 1,50,000, वो भी हम इसमें जोड़ दें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो ये हो जाएगा टोटल 9 लाख। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों कटने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का वो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया गया था, जिसकी हमने कैलकुलेशन कर ली 9 लाख। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी 9 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, जो कि रेशियो में हो जाएगा 6 टाइम। अब इन्हीं लेखांकन अनुपातों में अगला अनुपात हम देखेंगे आवर्त अनुपात या क्रियाशीलता अनुपात, यानी कि टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर रेशियो में या फिर क्रियाशीलता अनुपातों में जो अनुपात ज्ञात किए जाते हैं, उन अनुपात के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि संस्था ने उपलब्ध संसाधन का कुशलतम प्रयोग किया है या नहीं। जैसे कि लाभदायकता अनुपातों के अंतर्गत हम ये पता लगा सकते हैं कि जिन संसाधनों का प्रयोग किया गया है उनकी लाभदायकता कितनी रही। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस अनुपात को निष्पादन अनुपात कहा जाता है, और ये वो अनुपात होते हैं जिसमें जिनकी गणना जो है वो शुद्ध विक्रय के आधार पर की जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के फॉर्मूले इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब क्योंकि हमने बात तो करी कि इसमें जो कैलकुलेशन होती है, जो अनुपात जिनकी गणना की जाती है उनका जो आधार होता है वो होता है विक्रय, तो जब हम विक्रय की लागत की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम विक्रय की लागत का विभिन्न संपत्तियों के साथ संबंध जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ हम देखें कि आवर्त अनुपात यानी कि टर्नओवर रेशियो होते क्या हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुपात कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ज्ञात करते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री आवर्त अनुपात, जिसे हम कहते हैं स्टॉक, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड हम इसमें ज्ञात करते हैं देनदार आवर्त अनुपात यानी कि डेब्ट टर्नओवर रेशियो। थर्ड हम इसमें लेनदार आवर्त अनुपात यानी कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, और फोर्थ हम इसके अंतर्गत कैलकुलेशन करते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी अनुपात यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर हम इसमें स्थायी परिसंपत्ति आवर्त अनुपात यानी कि फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन भी करते हैं, और इन्हीं अनुपातों के अंतर्गत हम पूंजी आवर्त अनुपात यानी कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्टॉक इन्वेंट्री रेशियो की, जो कि आवर्त अनुपातों में सबसे पहला अनुपात है। क्यों, कैसे, किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि ये जो अनुपात है एक निश्चित अवधि में बेचे गए माल का एवरेज स्टॉक
से संबंध स्थापित करता है, यानी कि इसके अंतर्गत देखा जाता है कि स्टॉक का सही सही यूज, सही सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ ये जितना अधिक होगा, ये माना जाता है कि निष्पादन की कार्यकुशलता, जो काम किया जा रहा है, उतना ही अधिक कुशलतापूर्वक वो किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, गणना सूत्र क्या होगा। इसके लिए हम गणना सूत्र यूज करते हैं। यहाँ पर स्टॉक इन्वेंट्री रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक इन्वेंट्री रेशियो बराबर बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंध। अब इस फॉर्मूले पे अगर हम फोकस करते हैं तो हम पाते हैं दो चीज़ें चाहिए हमको यहाँ पर। कौन कौन से? स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमको एक तो चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, और दूसरा पॉइंट हमको चाहिए एवरेज स्टॉक। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कैलकुलेट करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की लागत, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो पहले तो हमको उसको फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले तो हम बेचे गए माल की लागत ज्ञात कर लें, औसत स्कंध यानी कि एवरेज स्टॉक ज्ञात कर लें, और उसके बाद फिर जो भी हमने कैलकुलेशन, जो भी हमने फाइंड आउट किया है, उसको फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करें। तो आइए देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि बेचे गए माल की लागत को हम किस किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक किसी पर्टिकुलर फार्मूले पे हम नहीं चल सकते, क्योंकि बेचे गए माल की लागत को हम कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमको कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेस दिया गया है, बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली गुड्स जब हम परचेस करते हैं, स्टॉक रिलेटेड गुड्स जब हम परचेस करते हैं, तो परचेस करने में, माल को लाने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, गाड़ी भाड़ा होता है, अन्य जो व्यय होते हैं, वो उसके कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम परचेस कॉस्ट में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस को भी हमको इंक्लूड करना है। एक संभावना ये भी बन सकती है कि क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और ना ही रेवेन्यू दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन सेल और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो सेल में अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? बेचे गए माल की लागत, लागत में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं और वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो उसको हम पलट दें, सेल में हम प्रॉफिट माइनस कर दें तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम एक फॉर्मूले में ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये बहुत सारी जो हमने कंडीशंस देखी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कैलकुलेशन में, कोई ना कोई कंडीशन तो ऐसे बनेगी जो आपके क्वेश्चन में होगी और आप बहुत आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कैलकुलेशन कर लेंगे। साथ में कई बार ऐसा होता है कि ये जो मैंने फॉर्मूले बताया, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी ना हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बहुत बहुत सोचने के बाद भी आप किसी फॉर्मूले पे नहीं पहुंच पाते और कैलकुलेशन नहीं कर पाते, ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? तो ऐसी कंडीशन में जब इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो, तो शुद्ध विक्रय यानी नेट सेल की जो अमाउंट होगी, उसी को आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लेना है। दूसरी बात, हमको यहाँ पर चाहिए एवरेज स्टॉक। बहुत आसानी से हम एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। हाँ, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि
ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई जानकारी ही ना दी गई हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में जो भी स्टॉक वहां पर दिया गया हो ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक, उसी को हम एवरेज स्टॉक मान लेंगे। दोनों दिया गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करके एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर नहीं दी गई है या फिर सिंगल कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो जो भी स्टॉक दिया गया है उसको हम वहाँ पर एवरेज स्टॉक मान लेंगे। आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। विश्वास लिमिटेड के निम्नांकित लाभ तथा हानि विवरण से स्कंद आवर्त की गणना कीजिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2018। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख, 4 लाख। सेकेंड, एक्सपेंसेस ए, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,40,000। बी, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फर्स्ट, नोट संख्या 1, अमाउंट 40,000। सी, अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 2, अमाउंट 60,000। टोटल एक्सपेंसेस 3,40,000। थर्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट माइनस सेकेंड 60,000। फोर्थ, टैक्स 10,000। फिफ्थ, प्रॉफिट फॉर द ईयर थर्ड माइनस फोर्थ 50,000। नोट्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फर्स्ट ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000, बैलेंस 40,000। सेकेंड, अदर एक्सपेंसेस, फर्स्ट कैरेज इनवर्ड 20,000, कैरेज आउटवर्ड 25,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 15,000, टोटल 60,000। इस क्वेश्चन में हमको लाभ हानि विवरण बनाकर स्कंद आवर्त ज्ञात करना है, यहाँ पर स्टॉक टर्न ओवर ज्ञात करना है। और स्टॉक टर्न ओवर का फॉर्मूला हमने देखा कि स्टॉक टर्न ओवर कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हमने फॉर्मूला देखा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है उसके लिए हमको यहाँ पर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीन चीजों को अगर हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, क्योंकि सारी ये रेवेन्यू वाली मदें हैं, तो इनको तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमको कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 2,40,000, परचेस ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड है 40,000, और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है 20,000। तो टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हो जाता है 3,00,000। और उसके बाद फिर यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो भी दिया गया है, यानी कैरेज इनवॉर्ड दिया गया है 20,000, ये हमको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि यहाँ पर हमको फॉर्मूला जो है हमारा स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का, वहां पर हमको एवरेज स्टॉक की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमने पहले देखा था वीडियो में कि एवरेज स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए हमको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करना है और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया गया है 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 40,000। तो हमारा एवरेज स्टॉक हो जाएगा 80,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 60,000। अब क्योंकि हमको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ हमने एवरेज स्टॉक भी कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर दिया गया है 30,000 और एवरेज स्टॉक दिया गया है 60,000, हमने कैलकुलेट किया है, तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे 3,00,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो आ जाएगा 5 टाइम। इसी अनुपात में आगे हम देखते हैं देनदार आवर्त अनुपात, यानी डेटर्स टर्न ओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में वास्तव में हम
उधार विक्रय और औसत देनदार, एवरेज डेटर जो है हमारे और हमारा जो उधार विक्रय है, जो क्रेडिट सेल है, उनमें हम संबंध बनाते हैं और देखते हैं कि क्या रिलेशन है। साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि ये जो देनदार है उनसे रुपए वसूल कर पाने में जो फर्म है उसकी कुशलता कितनी है, कितने स्पीड में वो वसूल कर पाएगा अपनी उधारी को, ये हम इसके अंतर्गत देखते हैं। और ये भी हम मानते हैं कि जितना अधिक होगा, जब हम डेब्ट इक्विटी, जब हम डेब्ट टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। यानी ये माना जाएगा कि जितना ज़्यादा होगा उतने स्पीड में हम हमारे जो क्रेडिट सेल की अमाउंट है, डेटर से रिसिवेबल जो हमारी अमाउंट है उसको हम वसूल कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं कि क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि उधार जो बिक्री की राशि है वो कितने स्पीड में हमको प्राप्त होती है, तो आर्थिक रूप से निर्णय लेने के लिए भी इस अनुपात का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करें हम इसके फॉर्मूले की कि किस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देनदार आवर्त अनुपात के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, शुद्ध उधार विक्रय बटे औसत देनदार, यानी कि डेब्ट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अब हम इसके फॉर्मूले को देखें, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमको, तो एक तो हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट हमको चाहिए नेट क्रेडिट सेल और दूसरा हमको यहाँ पर चाहिए एवरेज डेटर। नेट क्रेडिट सेल हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया होगा कि क्रेडिट सेल कितनी है, या फिर क्वेश्चन में टोटल सेल दिया होगा, कैश सेल दिया होगा, तो टोटल सेल में से हम कैश सेल को अगर माइनस कर दें तो जो डिफरेंस बचा वो क्रेडिट सेल हो गया। दूसरी चीज़ जो हमको यहाँ पर चाहिए वो है एवरेज डेटर की, जिसकी कैलकुलेशन हमने पहले भी देख ली, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2। यहीं पर हमको औसत वसूली अवधि की भी ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर कई बार रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की कि एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कैलकुलेट किया जाए, तो इसी के अंतर्गत हम औसत वसूली अवधि जो होती है, वास्तव में ये उधार विक्रय के जो राशि होती है उसकी वसूली की अवधि होती है कि हमने जो क्रेडिट सेल किया है मिनिमम कितने टाइम में, मिनिमम या मैक्सिमम कितने टाइम में हम उसको वसूल कर पाएंगे। तो यहीं पर हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, औसत वसूली अवधि बराबर, या तो फिर वो डे में होगा या मंथ में होगा और या फिर वीक में होगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन किस बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे औसत वसूली अवधि बराबर 365 दिन या 12 माह या फिर 52 सप्ताह, और बटे यानी भाग देंगे हम उसको देनदार आवर्त अनुपात से, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। यानी कि यहाँ पर हम डेब्ट कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 365 डेज और 12 मंथ और 52 वीक अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इस फॉर्मूले से हम डेब्ट कलेक्शन पीरियड की कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए लगाए जाने वाले सूत्र इस प्रकार होंगे, देनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार विक्रय बटे औसत देनदार या औसत प्राप्य, डेटर्स टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर और रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल फाइंड आउट करने के लिए हमको सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है और साथ में कैश सेल माइनस करना है। एवरेज डेटर फाइंड आउट करने के लिए हमको ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2 करना है। अगर शुद्ध उधार विक्रय की राशि निश्चित न की गई हो तो दिए गए कुल विक्रय को ही उधार विक्रय मान लिया जाता है। डेब्ट कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे औसत वसूली अवधि बराबर 365 दिन या 12 माह या 52 सप्ताह बटे देनदार आवर्त अनुपात, डेब्ट कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 365 डेज और 12 मंथ और 52 वीक अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। या इस फॉर्मूले की जगह हम अन्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, औसत वसूली अवधि बराबर औसत देनदार बटे उधार विक्रय गुणित 365 दिन या 12 माह या 52 सप्ताह
debt collection period equal to average of debtors upon credit sale into 365 days or 12 month or 52 week. आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। निम्नलिखित सूचना से देनदार आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। टोटल सेल 4 लाख, कैश सेल 20%, 1st जनवरी 2004 डेटर्स 40,000, डेटर्स ऑफ 31st दिसंबर 2004 120,000। कैलकुलेट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्योंकि हमको देनदार आवर्त की गणना करनी है, डेटर्स टर्नओवर कैलकुलेट करना है और हमने फॉर्मूले में देखा कि बहुत आसानी से हम डेटर्स टर्नओवर कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर हमको सबसे पहले एवरेज डेटर्स चाहिए होता है। तो पहले एवरेज डेटर्स कैलकुलेट कर लें। तो एवरेज डेटर्स के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले को यूज करके हम एवरेज डेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस 120,000, क्योंकि हमारे ओपनिंग डेटर्स जो है 1st जनवरी 2004 को वो 40,000 के हैं और क्लोजिंग डेटर्स भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे दिया गया है 120,000। तो 40,000 प्लस 120,000 डिवाइडेड बाई 2 हम करते हैं तो 80,000 जो है वो एवरेज डेटर्स हो जाएगा। सेकेंड हमको इस फॉर्मूले के लिए चाहिए नेट क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल हमको क्वेश्चन में दी गई है और कैश सेल भी दिया गया है, टोटल सेल का 20%। इसको अगर हम टोटल सेल में से माइनस कर दे कैश सेल को, तो जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचती है बैलेंस अमाउंट, वो हम ये मान लेंगे कि क्रेडिट सेल है। तो टोटल सेल है 4 लाख, इसमें से हम माइनस कर दे 4 लाख का 20% यानी कि 80,000, तो ये बैलेंस अमाउंट आ जाएगी 3,40,000 और यही 3,40,000 नेट क्रेडिट सेल हो जाएगी। अब क्योंकि हमको नेट क्रेडिट सेल भी पता चल गई, एवरेज डेटर भी हमने कैलकुलेट कर, अब हम इसको डेप्ट टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जो कि हो जाएगा डेप्ट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। तो नेट क्रेडिट सेल हमने फाइंड आउट किया था 3,20,000 और एवरेज डेटर से हमारे 80,000 के, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 3,20,000 अपॉन 80,000 यानी 4 टाइम। निम्नलिखित विवरणों से देनदार आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग डेटर्स 40,000, क्रेडिट सेल 2,60,000, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 10,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2,20,000, डिस्काउंट अलाउड 10,000। यहाँ पर हमको डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है और हमने देखा कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो के कैलकुलेशन के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो हम इन दोनों को पहले फाइंड आउट कर ले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एवरेज डेटर क्या है। तो एवरेज डेटर के लिए हमने फॉर्मूला देखा ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ओपनिंग डेटर्स तो हमको स्पष्ट रूप से 40,000 दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिख रहा है। तो पहले हमको क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे ओपनिंग डेटर्स क्या थे। तो ओपनिंग डेटर्स हमको दिख रहा है यहाँ पर 40,000, और डेटर्स कब बनते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, उधार माल बेचते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 40,000 के ओपनिंग डेटर्स थे और प्लस इस साल हमने 2,60,000 का और क्रेडिट सेल किया, यानी कि 2,60,000 के और डेटर्स हमारे नए बन गए। तो टोटल डेटर्स कितने हो गए, 40,000 प्लस 2,60,000 यानी कि 3 लाख। इसमें से हमको क्या क्या माइनस करना है, एक तो जो सेल रिटर्न हो गया, बिका हुआ माल वापस हो गया, तो डेटर्स कम हो गए क्योंकि केवल क्रेडिट सेल ही था यहाँ पर। अब उसके बाद कुछ डेटर्स ऐसे थे जिनसे कैश रिसीव हो गई, तो वो भी कम हो गए। जो उधार हमसे लिए रहते हैं वो हमारे डेटर्स बने रहते हैं, लेकिन जब वो हमको पे कर देते हैं तो वो डेटर्स घटने लगते हैं। तो एक तो हमको इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, फिर हमको कैश रिसीव माइनस करना है, और थर्ड जो हमको वो माइनस करना है वो है डिस्काउंट अलाउड। हमने जब बेचा था तो हमने उनको अपना डेटर्स मान लिया था, लेकिन उनको हमको कुछ डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो जितना हम उनको डिस्काउंट देंगे उतने के डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश रिसीव माइनस डिस्काउंट अलाउड, यानी कि 40,000 प्लस 2,60,000 माइनस
क्रेडिट सेल 10,000 माइनस सेल्स रिटर्न 2,20,000 माइनस डिस्काउंट अलाउड 10,000, तो ये हमारे क्लोजिंग डेटर आ जाएंगे 60,000। अब हमने क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट कर लिया, ओपनिंग डेटर्स ऑलरेडी दिए हैं हमारे पास। अब इसके बेस पे हम आसानी से एवरेज डेटर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एवरेज डेटर इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई टू, यानी कि 40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई टू यानी 50,000। तो एवरेज डेटर हमने देख लिया, 50,000 निकाल लिया। और नेट क्रेडिट सेल हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमने देखा कि और तो कोई सेल दी नहीं है, केवल क्रेडिट सेल दी गई है, तो इस क्रेडिट सेल जो रिटर्न हमको आएगा वो हम ये मानेंगे कि इस क्रेडिट सेल का ही वो रिटर्न है। तो क्रेडिट सेल है 2,60,000 और सेल्स रिटर्न दिया गया है 10,000। इसको हम सेल्स रिटर्न को अगर सेल में से माइनस कर दे तो जो बैलेंस बचता है वो नेट क्रेडिट सेल कहलाएगा, यानी 2,50,000 जो है वो नेट क्रेडिट सेल है। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। तो ये हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल 2,50,000 अपॉन एवरेज डेटर 50,000, यानी कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है वो हो जाएगा 5 टाइम। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेट क्रेडिट सेल 1,31,400, डेटर्स 20,000, बिल्स रिसीवेबल 1,600। यहाँ पर क्योंकि हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है, बहुत आसान होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना। नॉर्मली हमको फॉर्मूला लगाना होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, या फिर हम एवरेज डेटर्स भी कहते हैं उनको, इनटू 365 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल, ईयरली यहाँ पर दिया गया डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमको मिलना चाहिए था डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मिलाकर, वो है डेटर्स 20,000 और बिल्स रिसीवेबल है 1,600। तो टोटल ये हो जाएगा 31,600। तो टोटल ये हो जाएगा 21,600। और फॉर्मूले में हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इसको 365 से और डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल करना है, जो कि 1,31,400 क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 डेज मिल जाएगा।